एकता का परचम लहराएंगे और साथ ही स्मरण करेंगे अपने युग पुरुष, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के राष्ट्र को बनाने में योगदान का। कुछ ही पलों में आगमन, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का आगमन, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह राज्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे देश के वे सभी राजनेता, देश को नेतृत्व दे रहे वे सभी जन जो एकता का संदेश दे रहे हैं, वे युग पुरुष, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उनकी 142वीं जयंती पर। आज पटेल चौक का ये प्रांगण, जहां कण कण में छाए हुए ये ओस की बूंदें संदेश दे रहे हैं एकता का, राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी लौह पुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, वे जिन्होंने कर्मठता का इतिहास रचा और वे जो वर्तमान में कर्मठता की मिसाल बनकर देश को नेतृत्व दे रहे हैं, दो आयामों में एक दूसरे के समक्ष हों तो प्रकृति के हृदय में एक अनूठा स्पंदन होता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आज हम प्रकृति के हृदय में हो रहे इस स्पंदन के साक्षी हैं। हम धन्य हैं कि भारतवर्ष जिस एकता और कर्मठता के संदेश को लेकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में देश भर में शुरू हो रहे एकता दिवस के कार्यक्रमों का शुभारंभ जिस प्रांगण में कर रहे हैं, जिस प्रांगण में खिलते हुए फूल लाल पीले सफेद हमें एकता का संदेश दे रहे हैं, ये बताकर कि हम सब एक हैं, हम सब मिलकर एक सुगंधित रंग बिरंगा गुलदस्ता बना सकते हैं। ऐसे ही देश के सभी राजनेता, देश का सभी सामान्य नागरिक देश को एकता के सूत्र में बांध कर रखने की क्षमता रखता है, और चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश, कर्मठता का, एकता का ये संदेश चारों दिशाओं में लौह पुरुष के लौह अदम्य साहस को फैलाता हुआ हमें आज गौरवान्वित कर रहा है। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी की यहाँ उपस्थिति से, जिसके बाद देश में अनेक कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आरंभ होंगे। आज धन्य हुआ पटेल चौक का ये प्रांगण, जिसका कण कण प्रकृति में हो रहे एकता के स्पंदन को